नमः भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरन्धशः ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीः गुरवे नमः नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी प्राश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुरेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदानाय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यः नामिने गौरतस्य नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतेः गोपीश्वः गोपिकाकान्तः राधाकान्तः नमस्तते जय श्रीकृष्ण चैतन्यः प्रभु नित्यानन्दः श्री अद्वैतः गदाधरः शिवाशादि गौरभक्तवृन्दः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर पाठ होता है, किंतु आज हम भगवान के प्राकट्य के ऊपर बताएंगे। आप लोग को सबको मालूम होगा कि कल का दिन क्या है। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कल श्री कृष्ण जन्म भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। तो हम आज यहाँ चर्चा करेंगे कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं यह धरती पर, धरती पर अवतार लेने का क्या कारण है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान धरती जब भी आते हैं कोई कार्य करने के लिए ये धाराधाम में प्रकट होते हैं, तो उनका कोई एक ही कारण नहीं होता है, उनकी अनेक कारण होता है। जैसे कि ऐसे कोई कहा जाता है कि भगवान की शक्ति इतना ऐश्वर्यशाली है, भगवान शक्ति इतने तेज है कि भगवान उनकी इच्छा की वजह से कोई भी कार्य कर सकते हैं। किंतु भगवान स्वयं क्यों आते हैं? जैसे कि कहा जाता है कि भगवान आने का अनेक कारण रहता है, किंतु हम लोग समय के हिसाब से जितना कारण हो सके उतना बताएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम चर्चा आज करेंगे। और कल आप आएंगे तो फिर हमारा सीनियर प्रभु जी से आप सुनेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। तो हम आज थोड़े से संक्षिप्त में बताएंगे कि भगवान ये धरती पर आने का क्या कारण है। कल भगवान की जन्मदिन है, आप लोग सब जानते होंगे। कल 12 बजे भगवान की महाअभिषेक भी होएगा। अब बहुत लोग व्रत भी धारण करते हैं भगवान के जन्मदिन में, उपवास व्रत। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे कि भगवान ये धरती में क्यों आते हैं। शास्त्र में कहा जाता है कि उनका पहला कारण है धरती में आने के लिए, जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भगवद गीता का चौथा अध्याय का 7 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानत होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ और भक्तों की उद्धार करने, दृष्टि की विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। ये भगवान क्लियर भगवद गीता में कह दिए हैं कि मैं क्यों धरती पर आता हूँ, कि उनकी शुद्ध भक्तों को रक्षा करने के लिए, असुर को विनाश करने के लिए और धर्म को स्थापना करने के लिए। ये 3 कारण। लेकिन आचार्य लोग कहते हैं कि ऐसा और भी अनेक कारण हैं भगवान आने का, लेकिन भगवद गीता में ये प्रमुख 3 कारण कहा गया है। तो एक समय की बात है, कहा कहते हैं कि शास्त्र में जैसे कि पृथ्वी माता के ऊपर कितने सारे बोझ है। हम लोग सब, हमारा पृथ्वी माता को भी एक माँ कहा जाता है, पृथ्वी को जननी, वो पृथ्वी की माता की गोद में हम बढ़ रहे हैं, खड़ा है, बैठे हैं, सब कुछ कार्य कर रहे हैं। शास्त्र में पृथ्वी माता कहते हैं कि मेरा हृदय के ऊपर आप कितने बड़े भी बिल्डिंग बनाओ, कितने खोदो, कुछ रोड बनाओ, कितना गाड़ी चलाओ, कितने नाचो कूदो, कुछ भी करो, उसको कभी दर्द नहीं होता है। जब ये पृथ्वी के ऊपर पाप का भार बढ़ जाता है तभी पृथ्वी माता के हृदय में दर्द होता है। पृथ्वी माता कब सहन नहीं कर पाता है, जब ये पृथ्वी लोक में पाप कार्य बढ़ जाता है। पाप कार्य बढ़ने के कारण पृथ्वी माता सहन नहीं कर पाता है। तो भागवत में ऐसा वर्णन है कि एक समय की बात, पृथ्वी माता ये पाप का भार सहन नहीं करने के कारण एक बार गाय के रूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाके स्तुति करते हैं पृथ्वी माता कि मैं और सहन नहीं कर पाता हूँ, पृथ्वी लोक में बहुत पाप के कार्य बढ़ चुका है, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ किंतु पाप के भार को मैं पाप के बोझ को सहन नहीं कर पाऊँगा। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं तो सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं किस प्रकार ये पाप के भार को कम कर सकता हूँ, लेकिन जो पालन करता है विष्णु या कृष्णा उनकी शरण में जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी, जहाँ की ब्रह्मा जी का स्रोत सृष्टि प्रारंभ हुआ था, गर्भदशाई विष्णु जिसे कि नाभि से कमल के पुष्प प्रकट हुए थे और पुष्प के अंदर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, तो भगवान ब्रह्मा जी वहाँ पे जाते हैं गर्भदशाई विष्णु के पास, जाके स्तुति करते हैं विष्णु को कि पृथ्वी माता का दुख की समाप्त करिए, उसकी समस्या का समाधान करिए। तो पृथ्वी माता की समस्या को लेकर ब्रह्मा जी जब विष्णु की समक्ष प्रकट करते हैं तो विष्णु ने बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं कुछ समय के बाद धरती पे आने वाला हूँ, जन्म लेने वाला हूँ। तो फिर पृथ्वी माता को सांत्वना मिलता है, शांति मिलता है, तो फिर लौट के आते हैं। तो एक कारण है कि पृथ्वी की भार को कम करने के लिए भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। पृथ्वी की भार को कैसे कम करते हैं कि असुर की विनाश करने के लिए, ये दूसरा कारण है। किंतु पाप कौन करता है, सिर्फ असुर लोग ही पाप करते हैं, सुर लोग तो कभी पाप नहीं करते। असुर किसको कहा जाता है, जो व्यक्ति भगवान की ज्ञान को, भगवान की बातों को फॉलो नहीं करते अपना जीवन में, जो शास्त्र के निर्देश को फॉलो नहीं करते हैं, शास्त्र की जो ज्ञान है उसके विरुद्ध में जाते हैं, तो उसके विरुद्ध कार्य करने से उनको असुर कहा जाता है। जिस प्रकार की हम लोग ये दुनिया में रुके हैं तो हमारा कोई गवर्नमेंट है जगह, हम उसके निर्देश को फॉलो करते हैं, जो डिक्लार करता है उसी हिसाब से हम जन साधारण को उसकी बातों को मानना पड़ता है। हम बोल ही नहीं सकते हैं
कि हमको गवर्नमेंट के नियम को फॉलो नहीं करना है। यदि आप इसी प्रकार की दृष्टता करेंगे तो आपको सजा दिया जाएगा, दंड दिया जाता है। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पुलिस रखा है जिसे के द्वारा हमको दंड दिया जाए कि ना हम गवर्नमेंट को नियम को फॉलो नहीं कर रहे। उसी प्रकार भगवान ने कुछ ज्ञान दिए हैं, शास्त्र की द्वारा कुछ निर्देश दिए हैं जो कि हम व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या बुरा है, हर चीज़ का ज्ञान देने के लिए भगवान ने दुनिया में शास्त्र भेजे हैं। इस शास्त्र के आधार पर हम चलेंगे तो हम अच्छी से अच्छे मानव और देवता भी बन सकते हैं। इस शास्त्र के विरुद्ध में जाएंगे तो सबसे बड़े असुर माना जाएगा हमको। तो इसी प्रकार तो पहला प्रथम कारण है कि भगवान बताते हैं कि पृथ्वी पर भार कम करने के लिए असुर को वध करते हैं। तो असुर की वध करने से ये कि पृथ्वी के भार कम होता है, किंतु असुर लोग जो होता है यज्ञ करने नहीं देते हैं, हरिनाम करने के नहीं देते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करने नहीं देते हैं, मंदिर निर्माण कर लिए बाधा डालते हैं। तो आज भी कलयुग में ऐसे अनेक असुर है जैसे कि भगवान की प्रचार कार्य में, भगवान की भक्ति में वो लोग बाधा डालते हैं, तो उसको असुर माना जाता है, राक्षस माना जाता है। तो इसी प्रकार कहा जाता है कि भगवान जब ये धरती पर प्रकट होते हैं, कहा जाता है कि जैसे कि हम साधारण व्यक्ति होते हैं कि पिता और माता की माध्यम से ही हमारा जन्म होता है, किंतु भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो कोई स्त्री और पुरुष के द्वारा ही प्रकट नहीं होते हैं। ये सबको ज्ञान होना जरूरी है कि भगवान हमारा जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है कि किसी पुरुष के बीज द्वारा ही कि स्त्री के संभोग द्वारा, पुरुष और स्त्री संभोग द्वारा ही प्रकट होते हैं। आप भी सोच सकते हैं कि बता भी सकते हैं, आपको मन में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि भगवान का भी पिता माता थे और देवकी वासुदेव वो तो पुरुष और स्त्री थे, किंतु शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया है कि देव वासुदेव ने कि देवकी के गर्भ में वृक्ष स्थापना की है, ऐसे नहीं कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान प्रकट होने से पहले ही वासुदेव के मन में आ चुके थे। वासुदेव भगवान की बहुत बड़े भक्त थे, तो भक्त होने के कारण वो हमेशा निरंतर भगवान की चिंतन करते थे। वो चिंतन शक्ति के द्वारा भगवान उनकी मन में आ चुके थे और मन में आने के कारण फिर मन में स्थानांतरित हुए देवकी को, जिसकी माध्यम द्वारा फिर देवकी गर्भ में स्थापना हुई। और ऐसे भी कहा जाता है शास्त्र में कि भगवान आने से पहले ही देवकी और वासुदेव को चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन भी दिए थे, बाद में उनकी संतान बने। पहले दर्शन दिए, फिर देवकी और वासुदेव ने बोले कि हम इसी रूप को दर्शन नहीं करना चाहते, हम आपकी बाल रूप की दर्शन करना चाहते। तो भगवान फिर उनकी प्रार्थना से, उनकी अनुरोध से, रिक्वेस्ट से फिर भगवान बाल रूप धारण कर लेते हैं। कि ना देवकी और वासुदेव की मन में यही इच्छा था कि भगवान की बाल लीला का दर्शन करें, जो बाल्यावस्था जो है उसके आनंद लूटे। तो उसी प्रकार तो साधारण व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान की हमारा जैसा ही पे जन्म लिए थे, हम उनकी वैसे ही बर्थडे बनाते हैं। इसी प्रकार नहीं, भगवान जन्म लेते हैं किंतु हमारा जैसी नहीं है, साधारण व्यक्ति जैसा नहीं है। वो स्वयं प्रकट होते हैं और वो स्वयं प्रकट होकर सबको आनंद प्रदान करते हैं। उसी प्रकार तो भगवान पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पापों से भार से कम करने के लिए और असुर के विनाश करने के लिए यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जितने सारे जीव है, वो असुर हो, देवता हो, मानव हो, कोई भी हो, सब तो भगवान के अंश विशेष है। फिर भगवान हमेशा क्यों असुर की ही वध करते हैं, कभी कभी देवताओं की वध करना चाहिए, ऐसे भी किसी किसी व्यक्ति का मन में ऐसा जिज्ञासा आता है कि भगवान हमेशा असुर का ही विरुद्ध में जाते हैं, कभी कभी देवता लोग भी गलती करते हैं। ऐसे भी शास्त्र में बहुत प्रमाण है, इंद्र है, ब्रह्मा है, शिव जी है, अनेक देवता लोग है जो कि गलती करते हैं, उनकी गलतियाँ को भगवान माफ़ कर लेते हैं, उनको कभी दंड नहीं देते हैं।
किंतु जब असुर लोग ने गलती करते हैं तो उनको दंड देते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी जिज्ञासा व्यक्ति को आते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि भगवान ऐसे प्रक्षपात क्यों करते हैं कि खाली हमेशा असुर को मारते, कभी कभी देवताओं को भी मारना चाहिए, दंड देना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है, ये कोई साधारण व्यक्ति के मन में नहीं आता है, ऐसे भी महान महान भक्तों के मन में भी ऐसा आता है। ऐसे कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर के मन में भी आया था, जो धर्मराज युधिष्ठिर है उसके मन में भी आया था। एक बार नारद मुनि को ऐसा क्वेश्चन पूछे थे, और जो परीक्षित महाराज के भी मन में एक बार आया था, जिसके माध्यम से हम भागवत पढ़ रहे हैं। परीक्षित महाराज का जिज्ञासा जो है वो भागवत है, श्रीमद् भागवत। तो ऐसा परीक्षित महाराज का भी मन में ऐसा आया था, सुखदेव गोस्वामी को पूछे थे कि भगवान ऐसा प्रक्षपात क्यों करते हैं। तो हर जीव तो भगवान के अंश है, भगवान बोलते हैं कि ममे वंशु जीवो लोक जीवहुत सनातन, बोलते जितने सारे जीव है सब मेरा अंश है, तो मेरा संतान है। यदि भगवान की सारे हरे व्यक्ति यदि भगवान की संतान है तो असुर भी, देवता भी, मानव भी, सभी लोग हैं, किंतु हमेशा असुर की वध क्यों करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी फिर वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज को, उनको एक कथा बताते हैं। कहते हैं आप देखते होंगे कि भागवत में जितने सारी भगवान की लीला वर्णन हुआ है, सबसे विस्तार रूप में कौन सा लीला वर्णन किया गया है, कौन सा लीला सबसे बड़ा है भागवत में, आप लोग जानते हैं? भागवत में कोई पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत? पढ़ते नहीं तो कम से कम सुनो, हमारा यहाँ पे मंदिर में रोज सुबह 8 से 10 भागवत की पाठ किया जाता है। यदि किसी के पास समय है अभी आ सकते हो, और स्पेशल संडे को तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो भागवत में सबसे बड़े लीला, भगवान की अनेक लीला है, सबसे जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद महाराज का जो लीला है वो सबसे बड़े है, सबसे विस्तार है। जितने लीला है सबसे बड़ा लीला विस्तार किया चुका है वो प्रहलाद महाराज का कथा। तो सुखदेव गोस्वामी वही लीला का इंगित करके कहते हैं कि जो प्रहलाद की लीला है उसमें से हम क्या शिक्षा मिलता है, क्या भगवान असुर के विनाश करने के लिए आए थे कि प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए थे? तो उसमें से हमको देखा जाएगा तो बहुत लोग ने बोलते हैं कि कोई बोल सकता है कि भगवान की रक्षा करने के लिए, कोई बोल सकता है कि भक्तों की रक्षा करने के लिए, कि असुर के विनाश के लिए। कहा जाता है कि शास्त्र में कि स्वयं वो आए थे प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, दूसरे कुछ उपाय नहीं है। हिरण्यकश्यप को मारना है, यदि किसी असुर के वध करना है तो भगवान की ऐसे अचिंत्य शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा किसी भी रूप में आके भगवान मार सकते हैं। किंतु स्वयं कृष्ण क्यों आते हैं? स्वयं कृष्ण जो आते हैं, कहते हैं कि उनके जितने सारे अवतार है वो उनका विस्तार रूप है, और स्वयं आना जो है उनका अवतारी कहा जाता है। जो गोलोक वृंदावन में ऐसे वैकुंठ में भगवान के अनेक अवतार है, जैसे कहा जाता है कि राम अवतार, नरसिंह अवतार, बराह अवतार, मत्स्य, कश्यप, नरसिंह, परशुराम अवतार, अनेक अवतार है भगवान की। किंतु भगवान अवतार के मतलब जो है भगवान का जो विस्तार रूप है वो अवतार कहा जाता है, और जो स्वयं आते हैं तभी उनको अवतारी कहा जाता है। तो इसे बोलते हैं कि भगवान कभी आते ही नहीं, वो किसी ना किसी रूप में आके उनकी वध कर देते हैं, किंतु प्रहलाद के लिए स्वयं अवतार लिए थे। हाँ, तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि वो क्यों आते हैं रक्षा करने के लिए, किंतु उनको उनका भक्त बहुत प्रिय है, उनकी भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे कि कहते हैं, एक बार की एक स्टोरी है, कथा है, ऐसे आप लोग जानते होंगे, अब इतिहास भी पढ़ते होंगे कि बीरबल और अकबर की कहानी। जो एक हिंदुस्तान के राजा था बहुत साल पहले, अकबर राजा, वो मुस्लिम था, और उसकी जो मंत्री था वो बीरबल था, वो हिंदू था। तो एक बार अकबर ने बीरबल को ऐसा प्रश्न किया कि आपको हिंदुओं में ये भगवान को स्वयं क्यों आना पड़ता है, भगवान का तो सड़े ऐश्वर्यशाली है, सबसे बड़ा बलवान है, सबसे बड़ा सुंदरशाली, सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान है, सबसे बड़े त्यागी है, बैरागी है, हाँ, सबसे बड़ा धनवान है, इतने ऐश्वर्यशाली है और सबसे बड़ा शक्तिमान भी है, बलवान है।
तो उनको कहीं भी एक शक्ति को कहीं एक शक्ति प्रदान कर किसको भेज सकते हैं, वो स्वयं क्यों उनका धाम छोड़ के आते हैं यहाँ पे उनकी भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो एक बार ऐसा अकबर के मन में एक प्रश्न आया, बीरबल को पूछा, तो बीरबल ने इतने बुद्धिमान थे तो तुरंत किसी का जवाब नहीं देते थे, वो कोई भी जवाब देते थे, कोई भी चीज़ को प्रूफ करते थे तो उदाहरण के साथ एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत करते थे। तो बोले समय आने पर आपको मैं बताऊंगा। तो एक दिन की इसी घटना कि राजा लोग ने कभी कभी अपना परिवार के साथ, राजा उनकी रानी उनके पुत्र परिजन के साथ ऐसे कभी से कभी विहार करने के लिए जाते हैं, जैसे जाते हैं कभी जंगल में विहार करते हैं, कभी कभी नदी में भी विहार करते हैं। तो एक बार ऐसा सरोवर में जाके नदी में जाके विहार करते थे, नौका विहार। तो उनके परिवार लोग थे साथ में, तो सभी लोग ने, बीरबल भी था, अकबर भी था, कई सारे सिपाही थे, उनके सैनिक लोग, उनकी वाइफ रानी थे, उनके बच्चे थे, ऐसे सभी लोग ने जल क्रीड़ा करते थे, नौका में बैठ के आनंद लेते थे। तो आनंद लेते लेते उनकी बच्चा भी था छोटा सा, वो भी नौका में खेलता था। खेलते खेलते अचानक वो बच्चा नौका से नीचे गिर पड़ा नदी में। तो जैसे ही अकबर को मालूम पड़ा कि उसका बच्चा ने गिर गया है, तो तुरंत उन्होंने नौका से नदी में छलांग लगाया उसको बच्चा को रक्षा करने के लिए, और तुरंत छलांग लगा के वो बच्चा को रक्षा कर ही लिया। तो करके आ गया, उसको बच्चा को बहुत प्रेम करने लगा, पप्पी देने लगा, आलिंगन करने लगा, हाँ रो पड़ा कि मेरा बच्चा को भी क्या हो जाता था, क्या हो जाता था। तो वहाँ पे बीरबल बैठा था, तो तुरंत क्वेश्चन किया कि आपको मालूम है आप कुछ दिन पहले मेरे को एक क्वेश्चन पूछे थे कि आपका भगवान क्यों धरती पर आते हैं उनके भक्तों को रक्षा करने के लिए, उनका कहीं किसी को भी व्यक्ति को भेज सकते हैं देवताओं को कि उनका कोई शक्ति को भेज कर रक्षा कर सकते हैं, किंतु भगवान क्यों आते हैं? जैसे हम काल जन्माष्टमी बनाएंगे, कृष्ण जन्माष्टमी, इन काल का दिन भगवान आविर्भाव होते, प्रकट हुए थे, तो ऐसे क्यों आते हैं? तो बीरबल ने बोला कि आप तो राजा हो, आप कई सारे सैनिक है, सिपाही है, एक्सपर्ट है तैरने वाले, जो भी आपका बच्चा गिर गया आपके निर्देश के अनुसार आप तुरंत बोलते थे, ऑर्डर देते थे तो तुरंत जाके बचा लेते थे, वो लोग एक्सपर्ट है तैरने में, आपसे भी एक्सपर्ट है, तो आपको उनके क्यों निर्देश नहीं दिया, क्यों आदेश नहीं दिया कि जाओ मेरा बच्चा को रक्षा करो? आपका एक शब्द से तो तुरंत छलांग लगा के आपका बच्चा को रक्षा कर भी लेते थे, तो आपको क्यों कूदना पड़ा? आप महान राजा हो, आपको क्यों इतना कष्ट उठाना पड़ा? आप इतने बड़े राज्य का राजा हो। तो सर अरे मैं किसी के ऊपर क्यों निर्भर करूं? अकबर बोल रहा है कि मेरा बच्चा है, मेरे को बहुत प्रेम है, अरे थोड़ा भी उसकी थोड़ा भी लेट हो गया उसका कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं तुरंत छलांग लगाया इसलिए मेरे बच्चा को कि ना मेरे पास उतना विश्वास है, मैं कि दूसरे के ऊपर विश्वास करूँ? बोला उसी प्रकार भगवान भी कृष्णा जब भी उनके भक्तों को तकलीफ आता है तो उनको शक्ति को किसी को भेजते ही नहीं। जैसे ही तुम बाप होने के कारण, पिता होने के कारण बच्चे के प्रति जितने आसक्त हो, भगवान होने के कारण भगवान उनकी भक्तों के प्रति उतने आसक्त है। भगवान किसी माध्यम द्वारा उसको भक्तों की रक्षा नहीं करते, उतना ही प्रिय है भक्त, वो भी वही संतान है। हर जीव तो भगवान की संतान है, किंतु उनके जो स्पेशल जो भक्त है उसको तो खास उनके ऊपर भगवान ध्यान देते हैं, उसके साथ कभी भी लेट नहीं करते, कभी भी प्रतीक्षा नहीं करते कि उसको सुरक्षा के लिए मैं किसी को भेजूं, उनको स्वयं आना पड़ता है उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो उसी प्रकार उनको खास करके उनके भक्त की रक्षा करना है, इसीलिए ही भगवान आते हैं, नहीं तो दूसरे कुछ नहीं। दूसरा कारण है कि भगवान बताते कि असुर को विनाश करते, जिसी प्रकार प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान आए थे और प्रहलाद की बचन को भी रक्षा करने के लिए भगवान आए थे। प्रहलाद ने बोले कि भगवान हर जगह में है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं मैं हर कोने कोने में, हर जगह में, भक्तों मेरे को हर चीज में देखते हैं, मैं भक्तों को हर चीज में देखता हूँ।
हिरण्यकश्यप ने बोले कि आपने एक घर में है भगवान? बोला हाँ। बोले एक खंभे में भी है? हाँ। तो जेहेतु प्रहलाद ने बोल दिए है, उनके भक्त ने बोल दिया कि भगवान हर चीज में है, हर जगह में है, तो भगवान को प्रकट होना ही पड़ा। क्या उनकी भक्त को वाणी को यदि सत्य नहीं करेंगे तो उनकी नाम बदनामी हो जाएगा कि नहीं? भक्त को वचन को यदि सिद्ध नहीं करेंगे तो उनका नाम खराब हो जाएगा। तो लोग ने बोलेंगे नहीं, भगवान कहीं पे नहीं है, क्या जरूरी है भगवान को बुलाना, है कि नहीं? तो इसी प्रकार भक्तों को रक्षा करने के लिए और भगवान के वचन को सिद्ध करने के लिए भी भगवान ने प्रकट हुए। और एक कारण है, जैसे कि हिरण्यकश्यप को मारना, क्या हिरण्यकश्यप को वध करने से उसका समाप्त हो गया? भगवान यदि किसी असुर के विनाश करते हैं उसको मुक्ति दिला देते हैं, उनको जो असुरता है ना, राक्षस प्रकृति है, वो नष्ट हो जाता है, तो सीधा भगवान के धाम में जाते हैं और भगवान के वैकुंठ जगत में, यहाँ पे नहीं रहते हैं। जैसे हम साधारण व्यक्ति देखते हैं कि इसका वध कर दिया है, संसार से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान किसी के वध करते तो उसकी कल्याण हो जाता है, उसका सदगति हो जाता है। यदि हम किसी को वध करेंगे हमको क्या होगा? सीधा फांसी लग जाएगा हमको, कि ना हमारा इतना पावर नहीं दिए है, कि शक्ति नहीं दिया हम किसी की वध कर सके, है ना? तो हम किसी के वध करेंगे तो हमको सजा मिल जाएगा, जेल में फंस जाएंगे। तो भगवान किसी के वध करते हैं तो उसकी सदगति, उसका कल्याण हो जाता है। और जो भी है, जो असुर लोग है, वो कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान की लोक का ही प्रसाद है, ऐसे कहते हैं। भगवान आते हैं कभी कभी उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए। कभी कभी भगवान होने के कारण भगवान के भी से इच्छा होता है कि मेरे को कभी लड़ाई झगड़ा करना है। जैसे कि हमारा मन में कभी ऐसा आशा आता है कि कभी कभी कुश्ती लड़ना है, किसी से मस्ती करना है, हाँ, लूटपाट होते हैं, हमारा मन में आता है कि नहीं कभी कभी, कि कुश्ती लड़ना है, थोड़ा फाइटिंग करना है, थोड़ा युद्ध करना है, हाँ। तो ऐसे क्यों आता है? कि ना हमारा, हम भगवान के संतान होने के कारण, अरे भगवान के संतान है तो भगवान के अंदर ऐसा गुण है, तो इसीलिए हमारे पास आता है। तो हम देखने के लिए जाएंगे तो भगवान की भी ऐसा इच्छा होता है कभी कभी कि मेरे को कभी कुश्ती लड़ना है। तो भगवान जो रहते हैं कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन में कृष्णा, तो वहाँ पे तो किसी से साथ लड़ नहीं सकते। तो कहा जाता है कि जो भगवान की धाम है, अचिंत्य धाम है, हाँ, सत चित आनंद है, तो वो आनंद की कंद है, तो वहाँ पे कोई दुष्टता है ही नहीं। भगवान के धाम में कभी तो दुष्टता ही नहीं, वहाँ पे तो कोई लड़ाई झगड़ा, कोई द्वेष, कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं, वो तो सब भगवान के धाम में होता ही नहीं। भगवान के धाम में जो भी व्यक्ति रहता है वो पूर्ण आनंद में रहते हैं। तो भगवान के हृदय में जब ऐसा आशा होता है कि कभी कभी मेरे को भी फाइट करना चाहिए, उसको बोलते ही वीर्य रस, हाँ, वीर्य मतलब बलवान, कि जो आनंद लेना चाहते हैं, जो कुश्ती लड़ने से जो आनंद मिलता है वो रस को प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान के मन में भी ऐसा इच्छा प्रकट होता है, तो भगवान ने क्या करेंगे, किसके साथ लड़ाई करेंगे? तो गोलोक वृंदावन में उन तो ग्वाला लोक है, उनके सखी लोक है, राधा रानी है, उनकी नंद बाबा है, यशोदा माता है, तो उन लोगों के साथ किससे झगड़ा नहीं कर सकते? हाँ, झगड़ा कर सकते, थोड़ा ऐसा वाणी से झगड़ा कर सकते हैं, किंतु मुखामुखी, हाँ, हाथ पैर छिटकना, तलवारबाजी करना, गदा में पीटना, वो तो सब हो नहीं सकता है, हाँ। तो फिर कैसे करेंगे? तो कभी कभी क्या करते हैं ना भगवान, ये रस को प्राप्त करने के लिए अभी उनकी भक्त को भेजते हैं, उनके धाम से कोई भक्त होती है, उसको बोलते हैं कि तुम धरती पर जाओ, रक्षक बनो, और मैं भगवान बन के आऊँगा, तुम्हारा मेरा फाइट होएगा, थोड़ा कुश्ती लड़ेंगे तभी मज़ा आएगा। ये वृंदावन में तो नहीं होगा, बोलो वृंदावन में, तो राधारानी के साथ कभी कभी झगड़ा होता है, राधारानी रूठ जाता है, कृष्णा रूठ जाते हैं, किंतु उनके साथ तो मुखामुखी कर नहीं सकते, राधारानी के साथ मारपीट, तो दूसरे किसी के साथ झगड़ा होता ही नहीं, खाली राधारानी के साथ ही झगड़ा हो सकता है, वो तो भगवान की प्रेम है और आनंद है।
तो भगवान उनके भक्त को भेजते हैं। कह रहे भगवान से तो और कोई लड़ नहीं सकता है, नहीं भगवान भक्तों की शक्ति प्रदान करते हैं, पावर देते हैं कि तुम जाओ असुर बनो। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने टीवी सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, देखते हैं ना, और जो भी हीरो और विलन है, जो भी फाइट करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, मारपीट करते हैं, क्या सच्ची में क्या कोई किसी का शत्रु है? क्या है ही नहीं शत्रु, वो तो एक ड्रामा करते हैं। तो भगवान भी ऐसा ही, किंतु जैसे कि हीरो विलन कोई शत्रु नहीं है, उनका ड्रामा खत्म हुआ तो नीचे आ जाते हैं, फिर आलिंगन करते हैं, अपना बेड के साथ में खाते हैं, बैठ के मिलते हैं, झूलते हैं, सब कुछ करते हैं। उस प्रकार भगवान के जो भक्त है उनके साथ कोई शत्रुता नहीं है, किंतु वो जो कुश्ती लड़ना है, वीर रस को प्राप्त करना है, उसी की वजह से भगवान ने उनके भक्तों को असुर योनि में भेजते हैं कि अब असुर बनो, मैं भगवान बन के आऊँगा, तुम्हारा मेरा कुश्ती होगा, लड़ेगा। जैसे कि जो भी आपने देखे हैं सत्ययुग में हिरण्यकश्यपु हिरण्यक्ष, द्वापर युग में शिशुपाल दंतवक्र, त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, ये सबसे बड़ा बड़ा महान प्रसिद्ध असुर है, उनसे बड़ा कोई असुर नहीं है। बहुत तपस्या करके असुर बलवान बन के पूरा उदंड मचा रहे थे। तो वो कौन है मानोगे आपको? ये भगवान के धाम का दोनों द्वारपाल है, जय और विजया है, आप लोग जानते होंगे, वो तो भगवान की श्रेष्ठ भक्त है। बोलते हैं कि भगवान के धाम में जितने सारे भक्त होते हैं वो कि साधारण द्वारपाल जैसे नहीं रहते, जैसे कि अपना मंदिर में सोसाइटी में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ब्लैक कपड़ा पहन के रहते हैं, ऐसा नहीं। भगवान के जो द्वारपाल है सिक्योरिटी है, वो भी भगवान की जैसा ही है, चतुर्भुज नारायण रूप, उनका व्यास भी शंख चक्र गदा पद्म रहता है, वो डीटो नारायण के जैसा ही दिखते हैं। तो भगवान की जैसा ही है, तो भगवान की जैसा उनको सुंदरता है, भगवान की जैसा ही उनका शक्ति है, ये कोई साधारण जैसा हमारा जैसा नहीं है। ब्लैक शर्ट पहन के आ गया सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए, तो भगवान की धाम का ही भक्त लोग है, जय विजय महान भक्त है, उन दोनों को भगवान ने धरती पर भेजते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ लड़ाई करते हैं। तो भगवान उस कुश्ती लड़ना है, वीर रस को प्राप्त करना है, उसकी वजह से भी भगवान ये धरती पर प्रकट होते हैं। और भी कारण है, कहा जाता है कि भगवान कभी कभी उनके भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भी ये धरती पर आते हैं, असुर को विनाश करते हैं, असुर से लड़ाई करते हैं। कभी कभी भगवान के भक्त होने के कारण वो भगवान के प्रति आसक्त रहता है, उसके मन का हीरो भगवान की बनाता है कि कृष्ण ही मेरा मन की हीरो है ना। हम लोग भी सोचते हैं ना, हमारा भी हीरो हीरो हीरोइन चुन के रखते हैं पिक्चर में, फेवरेट हीरो फेवरेट हीरोइन, लेकिन भक्तों के हीरो कौन बनता है? कृष्ण बनता है। जब भी भगवान कोई असुर के साथ लड़ाई करते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं, अरे हमारा कृष्ण के जय हुआ, कृष्ण के जय हुआ, तो सब लोग जय जय करते हैं। जिसी प्रकार आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग घर में टीवी देखते होंगे, पिक्चर देखते होंगे, हीरो हीरोइन विलियन ये सब पिक्चर में क्या रहता है? वही रहता है कि जो विलियन है वो हीरोइन को छेड़ता है, हीरो जाता है लड़ाई करता है, फिर उसको छुड़ाता है, हाँ। तो विलियन और हीरो के अंदर कोई शत्रुता नहीं रहता है, वो हीरोइन के लिए ही शत्रुता रहता है। तो हम देखते हैं कि हीरो और विलियन दोनों पूरा कुश्ती लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो हमको मजा आता है, हाँ। कभी कभी हम देखते हैं कि विलियन ने हीरो को मार दिया, तो हीरो पूरा संकट में आ गया, तो हमको डर लगता है कि अरे अरे क्या अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, अरे हीरो तो कमज़ोर हो गया, हाँ परास्त हो जाएगा तो कैसा होएगा। तो फिर कभी हीरो उठता है तो फिर विलियन को मारता है, फिर हम लोग ने बोलते वाह वाह क्या फाइट किया, क्या फाइट किया, क्या लड़ाई किया, क्या मारा है, पूरा हम लोग को आनंद आता है। हम लोग सिनेमा देखो हॉल पे जाके, कभी कभी सिनेमा टकिच में जाके सिनेमा देखते हैं, कभी कभी घर में भी टीवी में देखते हैं, तो हमको जोश आ जाता है, वाह तालियां बजाते रहते हैं, जय जय करते रहते हैं, हाँ आप लोग देखते रहते हैं, तो हम लोग को भी एक प्रकार के आनंद आता है कि यार मस्त क्या फाइट करता है यार, क्या कैसे मारता है, तो हमको बहुत आनंद आता है। तो बहुत लोग ने ऐसा देखते हैं कुंफू जो कराटे पर पिक्चर हो, बॉक्सिंग पिक्चर हो, सब देखते हैं, मज़ा आता है देखने के कौन कैसा कैसा मारता है, कैसा विलियन गिरता है, तो हमको आनंद आता है। उसी प्रकार जो भगवान की भक्त होते हैं ना,
जब कृष्ण किसी से बद करते ना, लड़ाई करते ना, भक्तों को बहुत आनंद आता है। आप लोग देखे होंगे जब भगवान कृष्ण ने वृंदावन में लीला करते थे, बचपन से ही किसी न किसी असुर को मारते थे। अब देखे होंगे ऐसे के शास्त्र में कहा जाता है कि जब भगवान ने वृंदावन लीला के लिए वृंदावन लीला में जाते थे गाय चराने के लिए गोवर्धन पर्वत में, हर दिन तो दोपहर को किसी ना किसी के साथ लड़ाई होता था, पक्का लड़ाई होता था। किसी न किसी असुर को वध करते थे, कभी बका असुर का, कभी अघा असुर का वध, कभी ऐसे अनेक असुर है जिसकी सकटा असुर का वध, ऐसे खेल कूद में किसी ना किसी का वध करते थे। हाँ, प्रलंब असुर का ऐसा अनेक असुर होता था, हर दिन किसी ना किसी को उनका कृष्ण बुक में भागवत में रचना आता है, उनका जो दोपहर का जो भोजन होता है ना, हाँ, तो दोपहर का भोजन के पहले ही कोई ना कोई असुर को चटपटा के मार मूर के कुश्ती लड़के आके फिर आनंद में बैठ के उनके दोस्त लोगों के साथ बैठ के भोजन करते थे, आनंद आता था। किसी को हरा के आके बैठ के आनंद लेना मजा आता था। और जब भी कृष्ण ने लड़ाई करते थे ना उनके शत्रु के साथ, असुर के साथ, तो उनकी जो भक्त लोग है, वाला लोग ने और कूद पड़ते थे, अरे वाह क्या देखो यार, कैसा बका असुर का वध किया, उसका मुंह को फाड़ दिया, कैसा अघा असुर का वध किया, उसका बीच में से दो पीस कर दिया। तो भगवान ने कृष्ण का जय धुन करते थे, जय हो कृष्ण, जय हो। तो भक्तों को एक प्रकार की एक आनंद आता है कि भगवान की जय गान होने से। तो इसी प्रकार भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए कभी कभी भी भगवान असुर के विनाश करते हैं, है ना। तो आप लोग को आनंद आता है कि नहीं, कभी हीरो विलेन का झगड़ा होता है तो हीरो जीत जाता है, तो इसी प्रकार सबसे बड़ा हीरो कौन है? कृष्ण है। उनसे बड़ा कोई हीरो है क्या दुनिया में? हाँ, आजकल जो हीरो देखते हैं वो तो पावरफुल से नाटक होता है, ड्रामा होते है। हम लोग जाते हैं सिनेमा देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, वो ड्रामा को देख के रो पड़ते हैं, किंतु वो ड्रामा ही है ना। हीरो कभी विलन को मारता है ना, हीरो कभी एक्शन करके मारता है। तो कृष्ण जो करते हैं वो असली में करते हैं। कृष्ण आजकल का जो हीरो है हम उसको देख आकर्षित हो जाते हैं, हमारा बनाते हैं कि हमारा फेवरेट हीरोइन। किंतु कृष्ण कभी देखा है क्या? वो कभी बूढ़ा हुआ है? किंतु आजकल का हीरो जो है वो बूढ़ापन आ जाता है, चमड़े सूख जाता है, बाल पक जाता है, कलर कर देते। जो पुराना हीरो है धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, वो तो सब बुढ़े हो गया, अभी उसको कोई पूछ नहीं था, अभी नया हीरो आ गए ना। हमारा जो फेवरेट हीरो है ये तो इधर बैठा है, वो हमेशा जवान है, हमेशा शक्तिशाली है, उसकी झंडा उड़ता रहता है ऊपर कि मैं सभी के लिए हूँ, हमेशा हूँ, कोई भी तकलीफ है तो मेरा शरण में आओ, मैं हमेशा सुरक्षा प्रदान करने वाला हूँ। हाँ, भगवान बोलते हैं कि क्षिप्र भवन्ति धर्मात्मा स्वच्छन्ति निगच्छन्ति कर्तव्यपति जानी न मे भक्ति प्राण शक्ति। जो मेरे भक्त होते हैं, मेरा भजन करता है, मेरा भक्ति करता है, उसका कभी विनाश नहीं होता है, उसको मैं हमेशा सुरक्षा प्रदान करता हूँ, हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान ऐसा वचन देते हैं भगवद्गीता में। तो ऐसा दुनिया में कोई है वचन देने वाला है? जितना वचन है सब बूढ़े हो गए और कोई वचन देने वाला नहीं है, है कि नहीं? तो ऐसा हीरो का चॉइस करना चाहिए, अपना फेवरेट हीरो। तो ऐसे हीरो का चॉइस करे तो अपना सुरक्षा ही प्रदान कर सकता है। तो ऐसे कहा जाता है, अनेक कारण है, तो समय कम होने के कारण हम लोग विस्तार में बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे शॉर्टकट में बताता हूँ 2 मिनट में। और ये भी दूसरा कारण है कि भक्तों को चिंता में डालने के लिए भी भगवान असुर के वध करते हैं। कैसे चिंता में डालते हैं? जब भी कृष्ण ने कभी संकट में आ जाते हैं ना, असुर के चंगुल में आ जाते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे कालिया दमन की लीला, भगवान जब भी कालिया का दमन किए ना उनके भक्तों को रक्षा करने के लिए, तो जमुना में कूद पड़े तो उसको मारने के लिए, जब भी भगवान उसको मारते मारते कालिया की जाल में फंस जाते हैं, तो भक्तों लोग देखते हैं तो बहुत टेंशन आ जाता है। तो उसी प्रकार टेंशन आने के कारण आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे बकासुर की लीला में भगवान वो बकासुर के अंदर चले जाते हैं, अघासुर के अंदर चले जाते हैं, तो भक्तों को बहुत टेंशन आता है कि अरे कृष्ण को क्या होएगा, क्या होएगा। तो इसी प्रकार टेंशन से क्या होता है ना, भक्त लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे कैसे कृष्ण का विजय होएगा। तो भगवान कभी कभी ऐसा भक्तों को भी टेंशन देते हैं, क्योंकि वैसा टेंशन के द्वारा भक्तों के अंदर जितना सारा अपराध है, कलमस है, वो सब मिट जाता है। क्यों? वो कोई आध्यात्मिक टेंशन होता है, वो कोई साधारण टेंशन नहीं है हमारा यार आपकी जैसा। जैसे किसी का घर का टेंशन है, किसी का जमीन का, किसी का बिल्डिंग का टेंशन है, किसी का पैसा का, परिवार का टेंशन है, किंतु कोई भक्तों को भगवान का टेंशन होता है ना, तो उसकी सारे जो इसी प्रकार के टेंशन के द्वारा उसके अंदर जो अपराध है, उसका जो कलमस है, वो सब मिट जाता है। तो इसी जरिए से भगवान सभी को ऐसे जो पापों से भी मुक्त करा देते हैं इसी प्रकार के टेंशन से।